मोहित तो और आप देख रहे हैं टेक्निकल साथ यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप व्हाट्सएप पे कैसे किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप जान सकते हैं अपन यूजुअली इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ कर सकते हैं और इंग्लिश में ही मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे। तो बट आज के वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाय ये जो जो भी मैसेजेस वगैरह अपने होते हैं तो अपन बेसिकली इसमें इंग्लिश का ही यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिस ट्रिक के माध्यम से अपन इंग्लिश के अलावा बाकी लैंग्वेज हो गई जितने भी लैंग्वेज है, बंगाली है, स्पेन लैंग्वेज है, डच लैंग्वेज है, स्पेनिश लैंग्वेज है और अरेबिक लैंग्वेज है, बाकी की जितनी भी लैंग्वेज है आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो चैट कर सकते हैं। तो आज उसी के बारे में वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ ये वाला वीडियो पूरा देखिए। अगर आप ये वाला वीडियो पूरा देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि किस प्रकार से अपन ये कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहता हूँ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए बिना समय के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर आ जाना है। गूगल प्ले स्टोर पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर टाइप करना है जी बोर्ड कीबोर्ड। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये गूगल का ऑफिशियल कीबोर्ड है, तो गूगल की ऑफिशियल कंपनी का एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन बिल्कुल बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है, 500 मिलियन लोगों ने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। 4.2 की इसकी शानदार स्टार रेटिंग है और जैसा कि आप देख सकते हैं एप्लीकेशन की स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं। तो चलिए मैं एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आपको बता देता हूँ। तो एप्लीकेशन जो है वो अपना केवल 21 MB का एप्लीकेशन है, तो मेरे हिसाब से आपके लिए ज़्यादा नहीं होगा 21 MB का एप्लीकेशन, क्योंकि आप तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हैवी लेवल के गेम्स खेलते रहते होंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों आप इसके रिव्यूज़ देख सकते हैं, इस एप्लीकेशन के रिव्यूज़ भी काफ़ी शानदार है। तो अपना जो एप्लीकेशन है और जी बोर्ड जो ये गूगल का ऑफिशियल एप्लीकेशन है, तो इसमें किसी भी तरह का मालिशियस इफेक्ट वगैरह हो ही नहीं सकता, किसी भी टाइप का मालवेयर हो ही नहीं सकता, वायरस हो नहीं सकता इसमें एप्लीकेशन में। तो आप इस एप्लीकेशन को बिंदास इसको यूज़ कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन जो है अपना डाउनलोड हो चुका है और इसकी इंस्टॉलिंग ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी है और ये कम्प्लीट हो चुका है। तो चलिए इसको मैं ओपन करके आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप स्टेप देखेंगे, इसके दो तीन स्टेप है। पहले स्टेप में आपको सेटिंग्स इसकी अनेबल करनी है, तो जिसमें आपको ये जी बोर्ड का इसमें अनेबल करना है और इसको ओके कर देना है। तो जब आप इसको ओके करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे सेकंड स्टेप है सिलेक्ट इनपुट मेथड, तो आपको इनपुट मेथड सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि कई फ़ोन्स में ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट दो टच पैड का जो कीबोर्ड आता है वो रहता है, आपको जी बोर्ड वाला यहाँ पे सेलेक्ट करना है और इसको डन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये जो है अपना डन हो चुका है, सारी सेटिंग्स इसमें अनेबल हो चुकी है। तो चलिए मैं व्हाट्सएप पे आ देता हूँ। तो दोस्तों जब आप व्हाट्सएप पे एक बार आएंगे, इसको मैं बैक कर देता हूँ एक बार, फिर दोबारा इसको व्हाट्सएप ओपन करता हूँ। व्हाट्सएप पे आप जाएंगे तो आप किसी भी व्हाट्सएप के अकाउंट में आ जाइए। मान लीजिए मैं इसके अकाउंट में आ जाता हूँ, तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे जब आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लोगो देख सकते हैं गूगल का, आपको इस लोगो पे क्लिक करना है। तो जब दोस्तों आप इस लोगो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप खूब सारे ऑप्शन देख सकते हैं, GIF का ऑप्शन देख सकते हैं, गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन देख सकते हैं, और ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और आपको इसको गोडेट कर देना है। तो जब आप इसको गोडेट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना मैसेज टाइप करना है। तो ये जैसे मैं लिख देता हूँ इसमें हाउ आर यू, तो जब आप इसमें ये अपना मैसेज टाइप करेंगे तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप अपनी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज में आपको ये जो मैसेज है उसको सेंड करना है। तो जैसे अफ्रीकन में सेंड हुआ है, आप यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज है दोस्तों, जैसे कि अमेरिकन लैंग्वेज में सेंड कर सकते हैं, बंगाली में सेंड कर सकते हैं, बुल्गारियन में सेंड कर सकते हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज में सेंड कर सकते हैं, डैनिश लैंग्वेज में, डच लैंग्वेज में और फिनिश, फ्रेंच लैंग्वेज में, जॉर्जियन, जर्मन, आप हिंदी लैंग्वेज में, आपको जो भी सेट करना है वो आप सेट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं फ्रेंच लैंग्वेज में सेंड कर देता हूँ, तो फ्रेंच लैंग्वेज में जो मैंने सेंड किया तो ये अपना जो है फ्रेंच लैंग्वेज में सेंड हो चुका है। तो चलिए मैं आपको एक दूसरी एक दो लैंग्वेज में और इसको सेंड करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ इसमें आई एम फाइन, थैंक यू। तो देखिए जैसे मैंने इसमें ये डाला, इसमें आई एम फाइन, थैंक यू। अब इसको मैं इसको मान लीजिए मैं किसी दूसरी लैंग्वेज में सेंड करता हूँ, मान लीजिए चाइनीज़ में सेंड करता हूँ। तो चाइनीज़ सेंड यहाँ पे करिया, चाइनीज़ सेंड करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको सेंड आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे और बाकी के ऑप्शंस भी है, ये तो केवल लैंग्वेज चेंज करने का ही हो गया, मैं आपको और ऑप्शंस बता देता हूँ। एक शानदार है इसमें ऑप्शन ये है कि आप इसमें GIF भी सेंड कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे टाइप के GIF है, अच्छे अच्छे GIF है, तो आप वो भी इसमें जो है सेंड कर सकते हैं।
और GIF के अलावा यहाँ पे बड़े बड़े आइकन्स हैं, स्टिकर्स हैं जो कि बहुत शानदार स्टिकर्स हैं जो कि आप इसमें सेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप ये देखिए, ये जो है आइकन से सेंड हो चुका है, अच्छे अच्छे आइकन्स हैं बड़े बड़े। और दोस्तों इनमें यहाँ पे और अच्छी अच्छी सेटिंग्स हैं, इसमें कलर्स के भी ऑप्शंस हैं जो भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हैं। तो आप इस एप्लीकेशन को जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे दोस्तों, तो ये एप्लीकेशन जो है आपको काफ़ी अच्छा लगने लगेगा। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था इस एप्लीकेशन के बारे में। आई होप ये वाला जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर किसी भी चीज़ में समझते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। और बने रहिए हमारे साथ टेकिंग साथ यूट्यूब चैनल में, और बोलते रहिए हमारे साथ हर और महादेव शंभो। चलो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।